नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 26 फिट बाय 28 फिट का बहुत ही अच्छा सा होम डिज़ाइन। तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उसको 2 बेडरूम 1 टॉयलेट 1 लिविंग रूम किचन और टेम्पल चाहिए था दोस्तों। तो ये है अपना प्लॉट दोस्तों, इसी प्लॉट पर हम लोग अपनी पूरी डिज़ाइनिंग करेंगे दोस्तों। तो एक बार आइए हम लोग प्लॉट का डायमेंशन देख लेते हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये है प्लॉट का डायमेंशन, नाप लेते हैं। 26 फिट है अपनी इस साइड की लंबाई, मतलब फ्रंट का साइड जो 26 फिट है दोस्तों। 26 फिट में आप अच्छे से अच्छा होम डिज़ाइन और अच्छा से अच्छा एलिवेशन बनवा सकते हो दोस्तों। और इधर 28 फिट है दोस्तों। तो ये 2 बेडरूम का बहुत ही प्यारा सा होम डिज़ाइन है और बहुत ही कम बजट में इसको डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका पूरा डिज़ाइनिंग 3D में देखते हैं, पूरा पूरा नक्शा 3D में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नक्शे की तरफ चलते हैं और पूरा नक्शा 3D में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा अपना फ्लोर प्लान। एक बार हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं इस प्लॉट का, क्या क्या डायमेंशन है दोस्तों। ये 22 फिट इस साइड से है दोस्तों और 26 फिट इस साइड से है दोस्तों। तो ये है अपना प्लॉट का डायमेंशन। और बाहर में जो हम लोगों ने स्टेयरकेस लगाई हुई है दोस्तों, यहाँ पे ये नियरली 6 फिट का अपना स्टेयरकेस लगाया हुआ है दोस्तों। तो ये है अपना पूरा 2 बेडरूम का बहुत ही प्यारा सा हाउस डिज़ाइन दोस्तों। यहाँ से अपना स्टेयरकेस बाहर की तरफ है, तो एंट्री हम लोगों की यहाँ से होती है ठीक। यहाँ पर हम लोगों ने स्पेस छोड़ रखा है स्टेयर केस के नीचे, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ रख सको, सेव कर सको अपना। यहाँ पे घर में स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों समय तो समय के हिसाब से। तो यहाँ पे आप नीचे स्टेयर केस के नीचे आप यहाँ पे स्टोरेज बनवा सकते हो। और यहाँ पे चाहो तो एक एक यहाँ पे इस वॉल को आप आगे एक्सीड करके यहाँ पे एक गेट भी लगवा सकते हो। बट क्लाइंट को ओपन चाहिए था और ये होम डिज़ाइन विलेज के हिसाब से बनाया गया है, इसलिए हम लोगों ने इसको पूरा ओपन रखा है दोस्तों। ये है अपना एंट्री, यहाँ से होती है अपनी एंट्री। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है सामने, लिविंग एरिया आता है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा लिविंग एरिया है। हम लोगों ने नीचे यहाँ पे फ्लोरिंग में टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और वॉल में सिर्फ और सिर्फ पेंट का यूज़ किया हुआ है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि सर मुझे पेंट की डिज़ाइन दिखाइए जो पेंट में बनाया जाए। पेंट का डिज़ाइन इसलिए लोग प्रीफर करते हैं जिससे उससे बजट जो होता है कंस्ट्रक्शन का वो कम हो जाता है दोस्तों। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर पूरा पेंट लगाया हुआ है, बहुत ही प्यारा कलर सा लग रहा है दोस्तों, जैसा देखने में लग रहा है। इसके बाद हम लोगों ने लिविंग रूम के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे जो है किचन रखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप चाहें तो एक विंडो इस साइड खोल सकते हैं या फिर चाहें तो इस साइड एक विंडो खोल सकते हैं दोस्तों। और ये एरिया यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए है। और फ्लोरिंग का देखिए, हम लोगों ने किचन में जो टाइल्स यूज़ किया हुआ है फ्लोरिंग के लिए, वो बहुत ही अलग टाइल्स यूज़ किया हुआ है और बहुत ही प्यारा देखिए लुक लग रहा है देखने में, येलो कलर का टाइल्स है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों किचन के बगल, ऐसा बोलते हैं कि मंदिर हो तो बहुत लकी होता है, तो हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा वास्तु के हिसाब से। तो किचन के जस्ट बगल ही हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा टेंपल बनाया हुआ दोस्तों, मंदिर जिसे बोल सकते हैं आप। और उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा सा बेडरूम बनाया हुआ दोस्तों, जिसमें एक बेड है। आप चाहें तो उस पर डबल बेड भी रख सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। किचन में आप देखिए, हम लोगों ने लाइट डार्क कलर का यूज़ किया हुआ है। डार्क कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे मतलब आपको आँखों की रोशनी बढ़ जाती है दोस्तों देखने के लिए, और बहुत ही प्यारा भी लगता है। जैसे ही आप किचन में घुसेंगे तो एक ब्राइट ब्राइट लुक वाला फील आता है दोस्तों। पर अगर जैसे कि आप इधर देखिए बेडरूम में ऑलरेडी हम लोग अच्छे से ज़्यादा लाइट लगाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर लाइट कलर होगा तो वो आपका लाइट कलर अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा दोस्तों, उससे बेडरूम देखने में बहुत अच्छा लग जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ से होती है अपनी बेडरूम की एंट्री। और बेडरूम से सटा हुआ यहाँ पर हम लोगों ने एक टॉयलेट रखा हुआ है जो कि सेपरेट है। अगर जो आप कॉमन नहीं रह सकते इसको दोस्तों, इसको हम लोगों ने सेपरेट रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 2 बेडरूम बनाया हुआ दोस्तों। आप देख सकते हैं 2 बेडरूम हैं और दोनों बेडरूम में यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी टेबल रखा हुआ है, 2 स्टडी टेबल है और बकायदा का बोर्ड है, और बहुत ही अच्छा देखने में लुक लग रहा है दोस्तों। और फ्लोरिंग हम लोगों ने फ्लोरिंग के लिए जो टाइल्स यूज़ किया हुआ है, ये बहुत ही कम बजट का है दोस्तों, पेंट भी कम बजट का यूज़ किया हुआ दोस्तों। और देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से देखने में। 2 बेडरूम का ये होम डिज़ाइन है, ऑलमोस्ट आप समझिए इसको बनवाने के लिए आपको 3 से 4 लाख रुपये लगेगा। और अगर जो आप पीएम आवास विकास योजना के तहत बनवाते हैं तो 1 लाख रुपए से भी कम के बजट में आप इसको बनवा पाओगे दोस्तों। आपने सही सुना दोस्तों, 1 लाख से कम के बजट में आप इसको बनवा पाओगे दोस्तों, पीएम आवास विकास योजना के तहत। देखिए एंट्री करते हैं तो आपको लिविंग रूम मिलता है, लिविंग रूम के जस्ट सामने यहाँ पे किचन है। किचन के बगल हम लोगों ने एक थोड़ा सा स्पेस बाकी था, तो इस स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने डाइनिंग एरिया प्रोवाइड कर दिया। डाइनिंग एरिया हम लोगों ने इसलिए प्रोवाइड किया है, यहाँ पर आप चाहें तो विंडो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर 4 चेयर का डाइनिंग एरिया है दोस्तों, 4 चेयर लगी हुई। आप चाहें तो इसको 6 चेयर भी डाइनिंग एरिया प्रोवाइड करवा सकते हैं दोस्तों। और देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, इसका पूरा डायमेंशन देखते हैं दोस्तों। और अब तक आप यहाँ तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
और अगर जो आप घर बनवाने को सोच रहे हो दोस्तों, तो नीचे कमेंट करो आपके प्लॉट का क्या साइज़ है और उसके बाद आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं आपकी पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा डिज़ाइनिंग करूँगा और अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। और अगर जो आप हमसे पेड सर्विस चाहते हो, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल करो और हम आपको पूरा पेड सर्विस देंगे A to Z आपको बहुत ही कम बजट में दोस्तों, एक बहुत ही नॉमिनल से बजट में आपको हम होम डिज़ाइन देंगे, नक्शा देंगे, नक्शा के साथ 3D देंगे और उसी के साथ ही होम एलिवेशन देंगे। A to Z आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों हमारे पास। दोस्तों ये देखिए, तो ये अपना प्लॉट था, एक बार आप चारों साइड से देख लीजिए। आउटर वॉल हम लोगों की जो है 9 इंची की है, इनर वॉल 4.5 इंची की है। अब आइए हम लोग इस प्लॉट का डायमेंशन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेडरूम का क्या साइज़ है, किचन का क्या साइज़ है, लिविंग रूम का क्या साइज़ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डायमेंशन की तरफ चलते हैं। तो ये था अपना स्टेयर केस, तो स्टेयर केस की हम लोगों ने 5 फिट 7 इंच का हम लोगों ने विथ रखा हुआ है दोस्तों। और यहाँ से थी अपनी एंट्री, एंट्री का जो हम लोगों ने मेन गेट रखा वो 4 फिट का अपना रखा हुआ है, 4 फिट 4 इंच का अपना मेन डोर है दोस्तों। अब आइए हम लोग हॉल की डायमेंशन देख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 17 फिट का है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना हॉल की डायमेंशन। और यहाँ पे जो है आप हम लोगों ने जो विथ रखी है 10 फिट 5 इंच की अपनी विथ है, 17 बाय 10 फिट का अपना है अपना टोटल पूरा, आप देख सकते हो यहाँ पे। हम इसको एक बार क्लियरली दिखा देते हैं आपको, ये देखिए दोस्तों 17 फिट बाय 10 फिट का अपना हॉल है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे अपना किचन था, किचन की डायमेंशन देख लेते हैं। ये अपना किचन है 7 फिट का है अपना दोस्तों, इस साइड 7 फिट है और इस साइड जो है 6 फिट 2 इंच का अपना किचन है दोस्तों। इसके बाद हम लोग टेम्पल का डायमेंशन देख लेते हैं, यहाँ से 3 फिट 2 इंच का अपना टेम्पल है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 7 फिट, 3 फिट 2 इंच बाय 7 फिट का अपना टेम्पल है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेडरूम का साइज़ देखते हैं यहाँ से। तो 11 फिट का हम लोगों ने बेडरूम का साइज़ रखा हुआ है, 11 फिट बाय 10 फिट 5 इंच, 11 फिट बाय 10 फिट 5 इंच का अपना बेडरूम का साइज़ है दोस्तों। और जो दूसरा बेडरूम है उसका जो साइज़ है 9 फिट का है, नियर अबाउट 9 फिट बाई 10 फिट का अपना, मतलब आप सब 11 समझ सकते हैं, 10 फिट 5 इंच का है। तो ये है अपना बेडरूम का साइज़। अब आते हैं टॉयलेट का डायमेंशन देख लेते हैं, क्या है टॉयलेट का। 3 फिट 9 इंच में अपना हम लोगों ने टॉयलेट डिज़ाइन किया है, 3 फिट 9 इंच बाय 7 फिट का है अपना। तो ये है अपना टॉयलेट का डायमेंशन। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इसको आराम से समझ सकें और देख सकें पूरा वीडियो। ये देखिए हम लोगों ने इसमें पूरा डायमेंशन आपको दिखा दिया है, 28 फिट बाय 26 फिट का अपना पूरा होम डिज़ाइन। ये अपना स्टेयर केस है यहाँ पे, और ये अपना किचन है, यहाँ मंदिर हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पर अपना बेडरूम प्रोवाइड किया, ये टॉयलेट है, ये दूसरा बेडरूम है और एक सेपरेट टॉयलेट हम लोगों ने रखा हुआ है, जिसको गेस्ट लोग भी यूज़ कर सकते हैं और बेडरूम में रहने वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी है साथ में, किचन के साथ जो अटैच है दोस्तों। और ये है अपना पूरा हाउस प्लान। अगर जो दोस्तों ये वीडियो आपकी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और हमारे चैनल में देखिए, हम लोगों ने बहुत ही कम कम बजट के अच्छे अच्छे होम के डिज़ाइन डाले हुए हैं, तो वो सारे फ्री के डिज़ाइन है, आप जाके देख सकते हो। उसमें A to Z सारी डायमेंशन, कॉलम प्लेसिंग सब कुछ पूरा मैंशन है। तो जाइए दोस्तों, वो सारी वीडियोज़ देखिए, फिर हम आपसे अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।